माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले। देखिए, मान लो कि संसार में किसी ने आपके साथ बुरा किया, उसने आपको बोला कि मैं तुमको रेस्टोरेंट में मध्याह्न 12 बजे मिलूंगा और एक घंटे बाद 1 बजे पहुंचा, जिससे आपका मूड ऑफ हो गया। अब आप उसे अपना भाव कैसे बताएंगे? यदि उसको कहेंगे तुम बहुत बुरे हो, तुम गलत, मेरे बारे में तुम ध्यान ही नहीं देते, तुम्हें मेरी चिंता ही नहीं है, तो तनाव उत्पन्न हो जाएगा। इसके बजाय 4 स्टेप फॉर्मूला का उपयोग करें। अपने संबंधों में सामंजस्य बनाए रखने के लिए एवं कला से बचने के लिए संवाद का बहुत बड़ा महत्व है। वो संवाद तब इफेक्टिव होता है जब हम मन में रखते हैं कि दूसरे का दृष्टिकोण क्या होगा। एक ग्राहक जूते की दुकान पर पहुंचा और कहा, मुझे मेरे साइज के जूते दिखाओ। दुकानदार ने जूता निकाल के दिखाया। ग्राहक ने कहा, ये तो फिट नहीं हो रहा है। दुकानदार ने कहा, साहब मुझे तो बिल्कुल सही फिट हो रहा है। अरे भाई, मुझे फिट नहीं हो रहा है, साहब मैंने चेक करके दिया। ग्राहक कहता है, तुमने अपने पैर से चेक करके दिया है, मुझे अपने पैर में पहनना है। दुकानदार गलती क्या कर रहा है? वो ग्राहक के दृष्टिकोण को मन में नहीं रख रहा। ऐसे ही हम लोग जब संवाद करते हैं उसमें समस्या क्या आती है? हम मात्र अपना ही दृष्टिकोण को सोचते रहते हैं। जैसे मैं एक गीत की ताल आपको सुनाता हूं, अब मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा गीत की ताल में बजा रहा था? आप कहेंगे, स्वामी जी हम क्या पता लगाएं, ये बड़ा प्रसिद्ध राष्ट्रीय संगीत है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। अब मेरे मन में वो गीत चल रहा है, इसलिए मुझ में समझ में आ रहा है कि भाई ये ताल सही बज रही, लेकिन आपके मन में गीत है नहीं। आप कहे, स्वामी जी आज पागल हो गए हैं कि क्या है? एक रिसर्चर हुई एलिजाबेथ न्यूटन, जिसने सन 1990 में हार्वर्ड में एक्सपेरिमेंट किया, जिसका नाम पड़ा टैपर्स एंड लिसनर्स। उसने अपने सहपाठियों के दो भाग कर दिए। एक टैपर्स, उनको 25 राग दिए, इनको बजाना, और लिसनर्स का काम था कि उसकी ताल से वे बूझें ये क्या राग बज रहा। जैसे ये अंग्रेजी का बहुत प्रसिद्ध गीत है, जिंगल बेल्स जिंगल बेल्स जिंगल ऑल द वे। तो इनसे पूछा गया कि ये लोग कितनी बार गेस कर पाएंगे। टैपर्स ने कहा, कम से कम 50% तो गेस कर ही पाएंगे, किंतु फैक्ट ये निकला कि वे मात्र 2.5% बार सही गेस कर पाए। क्यों? क्योंकि इनके मन में वो गीत चल नहीं रहा था, और मात्र ये ताली से वो क्या समझ लगाए भी ये हो क्या रहा। हम लोग अपने संवाद में भी यही गलती करते हैं, भूल जाते हैं कि हमें जो समझ में आ रहा है शायद वो दूसरे के लिए आश्चर्यजनक हो। एक बाप अपने बेटे के साथ गाड़ी में जा रहा था, बेटे के हाथ में सेब था। बेटे ने पिता से पूछा कि ये सेब पिताजी भूरे रंग का धीरे धीरे क्यों होता जा रहा है? बाप ने कहा, बेटा
इसमें फेरस कंपाउंड है और आकाश में ऑक्सीजन है, तो वो ऑक्सीजन इसके आयरन को धीरे धीरे ऑक्सीडाइज कर रहा है, जिससे उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बदल रहा है और उसका रंग भी परिवर्तित हो रहा है। तो गाड़ी में सन्नाटा था। एक मिनट के बाद बेटे ने कहा, पापा आप मुझसे बात कर रहे हो? वो बाप अपने लेवल से बोल रहा था, वो बेटे के सिर के ऊपर से जा रहा था। तो इसीलिए तीन प्रकार की वाणी बताई गई। एक है नारी फलम। हमारे कुछ शास्त्रों ने इस वाणी का उपयोग किया है, वो नारियल के समान कठोर है, नारियल को फोड़ो तब कुछ निकलेगा। ऐसे ही कुछ उपनिषदिक मंत्र हैं, जैसे छांदोग्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, आप अपना सिर फोड़ दें तब जाके समझ में आए। दूसरी प्रकार की वाणी है कदली फलम। वो केला जो है ना, आप छिलका निकालो तो गिरी को खा लो, ऐसे थोड़ा सा प्रयास करो तो समझ में आ जाएगा। और तीसरी प्रकार की वाणी, ये और भी सहज, इसे कहते हैं द्राक्ष फलम। वो अंगूर के समान, मात्र मुंह खोलो, कोई छिलका उतारने की आवश्यकता नहीं, मुंह के अंदर डाल दो। तो हमारे कलयुग में लोगों का मुंह मात्र चीज बर्गर और पिज्जा इत्यादि के लिए खुलता है। अब ये तो मजाक की बात है, किंतु अब एक प्रैक्टिकल बात समझे। देखिए, मान लो कि संसार में किसी ने आपके साथ बुरा किया, उसने आपको बोला कि मैं तुमको रेस्टोरेंट में मध्याह्न 12 बजे मिलूंगा, और एक घंटे बाद 1 बजे पहुंचा, जिससे आपका मूड ऑफ हो गया। अब आप उसे अपना भाव कैसे बताएंगे? यदि उसको कहेंगे तुम बहुत बुरे हो, तुम गलत, मेरे बारे में तुम ध्यान ही नहीं देते, तुम्हें मेरी चिंता ही नहीं है, तो तनाव उत्पन्न हो जाएगा। इसके बजाय 4 स्टेप फॉर्मूला का उपयोग करें। नंबर 1, आप फैक्ट को स्टेट करें। तुम 1 घंटा लेट आए हो, अब इसमें तो कोई झगड़ा हो ही नहीं सकता, ये फैक्ट है। 2, आप अपनी फीलिंग को बताएं। मुझे दुख हुआ है क्योंकि मुझे लगा है कि तुम मेरा सम्मान नहीं कर रहे। अब वो कहे भी तुम्हें दुख क्यों हुआ? भी शायद नहीं होना चाहिए, लेकिन हुआ है, मैं बता रहा हूं जो हुआ है। 3rd स्टेप, अपने मांग को प्रस्तुत करो। मेरे अंदर ये इच्छा है कि मेरे साथ सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए। अब आप अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हो, इसमें भी कोई झगड़ा नहीं। और फिर रिक्वेस्ट करो कि इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगली बार आप ठीक टाइम पर आए। तो ये 4 स्टेप फॉर्मूला को आप अपनाएंगे, आप झगड़े का आसानी से समाधान कर पाएंगे। इसी प्रकार से श्रेष्ठ जीवन जीने हेतु स्वर्णिम नियमों को हम इस 21 दिवसीय श्रृंखला में समझते चले जाएंगे आगे के भागों में।